नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात फिर पंजाब की करेंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने मिलकर जो खेल खेला किसान कथित किसान आंदोलन के नाम पर, वो देश के लिए भारी पड़ सकता है। ये जो पूरा चक्रव्यूह रचा गया, दरअसल इसका मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि इस आंदोलन का किसानों की मांग से, उनकी समस्या से, उनकी जो परेशानी है उससे कोई लेना देना नहीं। इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के आढ़तीय, खासतौर से पंजाब के, और इन दोनों राज्यों के बड़े किसान, पैसे वाले किसान, धनाढ्य किसान, उनका हित था। और इसको बहुत खूबसूरती से जो है जो मोड़ दिया गया, वो आप सुनकर हैरान होंगे। उस वो देश के लिए एक नए खतरे के रूप में उभर सकता है। ये आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से। पंजाब में रेल की पटरियों पर ये लोग बैठकर आंदोलन कर रहे थे, रेल की आवाजाही रोक रहे थे। 2 महीने से ज्यादा चला, पंजाब में सामान आना और पंजाब से सामान जाना बंद हो गया था लगभग। रेलगाड़ी पर पहले पैसेंजर ट्रेन पर अटैक हुआ, उसके बाद मालगाड़ी पर अटैक हुआ। रेलवे ने ट्रेन चलाने से मना कर दिया कि जब तक आप सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे, इनको पटरी से हटाएंगे नहीं, हम नहीं चलाएंगे। नतीजा हुआ कि रोज के हिसाब से सैकड़ों हजारों करोड़ का नुकसान पंजाब की सरकार को हो रहा था। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन नेताओं को बुलाया और कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझसे क्या लेना देना है, तुम्हारी लड़ाई केंद्र सरकार से, कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, कानून रद्द करेगी तो केंद्र सरकार करेगी, तो दिल्ली जाओ, दिल्ली को घेरो, तब तुम्हारी सुनवाई होगी। यहां तक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की आप इसको राजनीतिक रणनीति मान सकते हैं कि एक आंदोलन जो चाहे जितना सतही हो, किसानों से उसका चाहे जितना कम लेना देना हो, उसको उन्होंने अपने राज्य से हटाकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोड़ दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी पंजाब में जब तक चल रहा था, ज्यादा चिंता इस बात के लिए नहीं थी कि पंजाब में उसका कुछ बड़ा जनाधार नहीं है, तो उससे उसको कोई राजनीतिक नुकसान होने वाला नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे जो होने वाला है वो दिखाई दे रहा था। इसलिए इस आप देखिए, पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 8 महीने से ज्यादा हो गए, कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ है। आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन देख लें, इसके अलावा जो किसानों के आंदोलन हुए देख लें, वो मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, किसी भी राज्य में ले लें, पुलिस एक्शन हुआ है, फायरिंग हुई है, किसान मारे गए। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 8 महीने हो गए, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर जो इन राज्यों से लगते हैं वो एक तरह से सील है, बंद है। वहां से ट्रकों की, पैसेंजर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। भारी नुकसान हो रहा है व्यापार को, सरकार को, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके बावजूद कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ, दिल्ली में जो कुछ हुआ, उस तब भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। पुलिस पर आक्रमण हुआ तब भी गोली नहीं चलाई। आप सबके मन में सवाल होगा, मेरे भी मन में सवाल था कि आखिर ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, सरकार क्यों चुपचाप ये सब होते हुए देख रही है, क्यों इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त कर रही है, क्यों इस तरह के नुकसान लोगों के, जो व्यापार का नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आसपास के गांव वाले परेशान हो रहे हैं, अब वो लामबंद हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, व्यापारी लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि भाई ये खुलवाइए सड़क। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सड़क पर धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक ये आपका अधिकार नहीं है, आप किसी की आवाजाही जो है नहीं रोक सकते, उनका मौलिक अधिकार है आने जाने का, लेकिन चल रहा है। तो इसमें शामिल हुई अकाली दल। अकाली दल की बीजेपी से नाराजगी थी, अलग अलग मुद्दों पर लेकर वो पावर शेयर में जो उनकी कहें कि नाजायज मांग या उनकी जो राजनीतिक हैसियत थी उससे ज्यादा की मांग, एक दूसरा ईगो का सवाल। 2019 में जब दोबारा सरकार बनी
तब अकाली दल चाहता था, अकाली दल का मतलब बादल परिवार, चाहता था कि सुखबीर सिंह बादल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, बजाय उसके कि उनकी पत्नी को जगह मिले जो 2014 से 19 तक थी। प्रधानमंत्री ने, मतलब पार्टी ने, साफ साफ मना कर दिया। सुखबीर बादल की जो छवि है पंजाब में, उसको देखते हुए उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल है और उनका जो स्वभाव है और उनके उनके जिस तरह का उनका काम धाम है, उसको देखते हुए ये संभव नहीं था और होने नहीं दिया गया। इसकी नाराजगी थी। ये बहाना खोजा अकाली दल ने जवाब देने के लिए बीजेपी को और दबाव डालने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री पर, और उन्होंने इस तथा कथित किसान आंदोलन के नाम पर सरकार से अलग हो गए और एनडीए से भी अलग हो गए। अब उसके बाद क्या किया? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इन लोगों को यहां भेजा। अकाली दल की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें गुरुद्वारों का समर्थन। गुरुद्वारों से जो समर्थन मिला इस आंदोलन को, वो इस आंदोलन की एक तरह से लाइफलाइन बन गया। उसी समर्थन के कारण लोग आते रहे, उसी समर्थन के कारण पैसा भी मिलता रहा, उसी समर्थन के कारण से दूसरे संसाधन मिलते रहे। अब इस पूरे आंदोलन को, ये किसान आंदोलन नहीं रह गया। पहले भी मैं बता चुका हूं कि किस तरह से ये किसानों के नाम पर जो है क्या हो रहा है। अब इस आंदोलन को सिख वर्सेस केंद्र सरकार, भारत सरकार, ये बनाने की कोशिश हो रही है। और इसमें बहुत से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, उसमें चीन भी शामिल है, कनाडा के तमाम संस्थाएं हैं, ब्रिटेन में हैं, अमेरिका में हैं और दूसरे देशों में, टर्की में हैं। ये इन सब का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कश्मीर में जैसे जैसे आतंकवाद घटता जा रहा है, तो अब दूसरी जगह बढ़ाना है, तो उसके लिए पोटेंशियल उनको पंजाब दिखाई देता है। तो पंजाब में आतंकवाद को, अलगाववाद को हवा देने के लिए एक एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है कि ये सिख बनाम केंद्र सरकार, भारत सरकार, ये आंदोलन ये स्वरूप ले चुका है। और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से मालूम है कि एक छोटी सी चिंगारी ये दावा नल में बदल सकती है। बहुत बड़ा स्वरूप ले सकती है। इसलिए एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए जबरन हटाया नहीं जा रहा। सरकार आज तय कर ले, 4 घंटे में खाली हो जाएंगे बॉर्डर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो मौका जो खोज रहे हैं 8 महीने से ये लोग, कि केंद्र सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल करे, गोली चलाए, किसानों पर गोली चलाए, उसको मुद्दा बनाया जाएगा कि सिखों के खिलाफ एक्शन हुआ, क्योंकि इसमें ज्यादातर सिख है इस आंदोलन में। आपको जो भी वीडियो देखते होंगे, विजुअल देखते हैं, उससे आपको बड़ा साफ हो जाएगा। तो अब अगला कदम क्या हो? अब इस आंदोलन के बहाने इसको राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया? घोषणा कर दी उनकी सरकार ने, एक विधानसभा की कमेटी भी बनी है जो 100 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू करेगी, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है 26 जनवरी को लाल किले पर हमले और दूसरी जगहों पर हमले, और जो कुछ किया उन्होंने, जो अराजकता हिंसा फैलाई उसके खिलाफ, तो उनमें से 60 लोगों से बात हो चुकी है। अब पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार इनको कानूनी सहायता देगी, इनको मुआवजा देगी। जो लोग इस आंदोलन के दौरान मरे, कोई कोई किसी पुलिस एक्शन से, किसी सरकार की जो है वो ज्यादती से कोई नहीं मरा है, जो स्वाभाविक मौतें हुई हैं उनको शहीद बताया जा रहा है, और उन शहीदों को, उनके परिवार के लोगों, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने और मुआवजा देने की बात हो रही है, और मुझे लगता है कुछ समय में यह हो भी जाए। अकाली दल के हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं। ये आंदोलन का अगर फायदा कोई उठा सकता है तो उसको उठाने की स्थिति में, राजनीतिक फायदे की बात कर रहा हूं, चुनाव की दृष्टि से, 2022 की दृष्टि से, वो कांग्रेस पार्टी को होगा। अकाली दल को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर पंजाब में अलगाववाद की आग भड़कती है, और जिस तरह की कोशिश हो रही है, लगातार कोशिश हो रही है वो इस आग को भड़काने की, जाट सिखों और खासतौर से जट सिख जो हैं उनके खिलाफ,
ये जो पूरा चक्रव्यूह रचा गया है, इसमें अकाली दल को तो राजनीतिक रूप से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर अगर वो एनडीए से बाहर नहीं गए होते तो जो उनकी स्थिति होती उससे भी बुरी स्थिति होने वाली है, कि वो उनका हाल वही है, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये सब काम जो कदम उठाने जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, अकाली दल को नहीं मिलेगा। और आम आदमी पार्टी की तो बात ही नहीं है इस पूरे उसमें, लेकिन आम आदमी पार्टी, और लगता ये है कि जो लड़ाई होगी 2022 की पंजाब में चुनाव की, उसमें कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी होगी। अकाली दल अभी भी विधानसभा में तीसरे नंबर पर है, हालांकि केवल सीट के संख्या की दृष्टि से, वोट प्रतिशत के लिहाज से नहीं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर और नीचे जाएगा। देखिए, कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, कांग्रेस ये खेल पहले खेल चुकी है। याद कीजिए भिंडरा वाले को बनाने वाली इंदिरा गांधी थी, उसको खड़ा करने वाली इंदिरा गांधी थी। उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें ये था कि ये भिंडरा वाले को खड़ा करके और पूरे देश में पार्टी के लिए एक माहौल बनाया जाएगा, समय पर कार्रवाई होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कांग्रेस की वाह वाह होगी। वैसा हुआ नहीं। एक समय के बाद भिंडरा वाले भस्मासुर बन गया और वो स्थिति इतनी बिगड़ती गई कि आखिरकार स्वर्ण मंदिर पर जो है कार्रवाई करनी पड़ी सरकार को, भिंडरा वाले मारा गया और उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हो गई। तो कांग्रेस ये खेल आग से ऐसा खेल पहले खेल चुकी है, उसको पता है। लेकिन आश्चर्य है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ, उसके विरोध में कांग्रेस छोड़कर बाहर चले गए थे, आज वो इस खेल का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। क्यों हो गए हैं? क्या उन्हें ये खेल इसका दूरगामी परिणाम नहीं दिख रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको नहीं दिख रहा होगा, मतलब कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन चुनावी फायदे के लिए वो ऐसा होने दे रहे हैं। जिस चुनावी फायदे के लिए अकाली दल ने ये सब किया, उसको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर ये स्थिति बिगड़ती है और सिख बनाम भारत सरकार का मुद्दा बनता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब भी हैं, अभी पीछे से है, अब सामने से हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी जो इस आंदोलन से पहले कहती थी कि हमारा कोई संबंध नहीं है, धीरे धीरे एक्सपोज हो गई है कि इस आंदोलन के पीछे अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और सुनील जाखड़ ने उस दिन सिद्धू की ताजपोशी का जो दिन था, उस दिन अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि कैप्टन साहब को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने ये जो किसान बैठे हुए थे धरने पर, पटरी पर, रेल पटरी पर, उनको भेज दिया दिल्ली। तो ये श्रेय तो ले सकती है कांग्रेस पार्टी कि पंजाब से उस आंदोलन को शिफ्ट कर दिया उन्होंने दिल्ली की ओर, लेकिन देश के लिए उसका क्या होगा, उसका क्या असर होगा, उसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है अगर ये स्थिति हाथ से निकल गई? क्योंकि देखिए, ऐसे आंदोलनों में ऐसी जब आप योजना बनाते हैं तो सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता। एक बार एक स्थिति ऐसी आती है कि स्थितियां आपके हाथ से बात निकल जाती है। ये मामला उसी ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए इस घटनाक्रम को आप देखते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इसका किसानों के हित से, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस आंदोलन का मकसद कुछ और है और वो खतरनाक है और वो देश के हित में नहीं है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले संडे की बात करना जरूरी है। संडे के विशेष कार्यक्रम में कल आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि कैसे सीताराम केसरी, जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रणब मुखर्जी और एक और कांग्रेसी नेता को बंधक बना लिया, या कहें हाउस अरेस्ट कर लिया एक रात के लिए। क्यों किया ऐसा, क्या हुआ उसके बाद, ये पूरी कहानी सुनाऊंगा कल दोपहर 12 बजे। भूलिएगा मत, देखिएगा जरूर।
हाँ, जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। नमस्कार।